सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। जैसन मसीन को हाल ही में कॉर्नियल डैमेज हो गया था जब कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से उनकी आईज में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो उसके बाद उनका कॉर्नियल डैमेज हो गया था दिल्ली के एक इवेंट में जब जैस्मिन शामिल होने के लिए गई थी। बड़ी बात यह है कि अब जैस्मिन मसीन पूरे तरीके से स्वस्थ हैं और रिकवर कर चुकी हैं। इस बात की जानकारी जैस्मिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी दी थी। उसके अलावा एक और खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि लेंसेज नहीं पहनने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जिसके बाद जैस्मिन के ऊपर कई सारी फेक वीडियोस भी बनी कि इस वजह से जैस्मिन की आंखें खराब हुई, उस वजह से खराब हुई। अब फाइनली जैस्मिन मसीन ने सामने आकर इन सभी खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। दरअसल जैस्मिन मसीन ने कहा है एक वीडियो को शेयर करते हुए कि ये जो एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन है उनकी कंडीशन को लेकर वो बिल्कुल गलत है, और ऐसे ही लोगों की तरह कुछ और लोग अपने रिव्यू शेयर कर रहे हैं और पर्सनल ओपिनियंस दे रहे हैं जैस्मिन की कंडीशन पर। उन्होंने आगे कहा कि सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसी कोई भी गलत जानकारी साझा ना करें, हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे आप सभी के लिए, डॉक्टर ने जो कहा होगा उस सिचुएशन के ऊपर उनसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया है, और फ्यू डेज में ये वीडियो आ जाएगी और एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। बंद कर दो ये फेक न्यूज़ और गलत चीज़ें फैलाना और गलत एनालिसिस फैलाना। यह जैस्मिन मसीन का बड़ा बयान है जो उन्होंने अपने बारे में दिया है। इस तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।